गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माई टॉपिक जूलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर B.Sc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सन 2021 का ये क्वेश्चन पेपर एंड टाइमिंग रहेगा 1.5 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स। नोट, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी खंडों से निर्देशा के अनुसार क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट, अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि इन सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट के आंसर देने हैं। हर एक पार्ट में से आपको इसमें 40 वर्ड में आंसर देना होगा, राइट? तो इसमें फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कंगारू, राइट? तो ये 40 मार्क्स है, यानी कि 20 मार्क्स का रहेगा, 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अटेम्प्ट 93 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट? इसमें आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ईच क्वेश्चंस का अबाउट 150 वर्ड में आंसर देना होगा। 18 मार्क्स करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सेफेलोकार्डेटा, यानी कि इसमें है सेफेलोकार्डेटा के आपको इसमें लक्षणों का डिस्क्राइब करना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हेमिकार्डेटा, यानी कि हेमिकार्डेटा की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइजन्स एंड नॉन पॉइजन स्नेक्स, यानी कि पॉइजन एंड नॉन पॉइजन स्नेक्स में आपको डिफरेंशिएट करना होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्वाटिक मैमल्स, आपको इसमें जलीय स्तनधारियों पर एक नोट करना है, टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, एनुमरेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैट एंड जस्टिफाई इट्स क्लासिफिकेशन इन मैमल्स, यानी कि चमगादड़, जिसे हम बैट के सिम्टम्स बताने हैं आपको, ठीक है? यानी कि इसमें आपको इसके स्तनधारी में वर्गीकरण को कारण बताना है और उस पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्लासेस एविज, एक्सप्लेन विद टिपिकल एग्जांपल्स, क्लास एविज के आपको लक्षण क्या हैं, इसे एक निर्दिष्ट एंड एग्जांपल की हेल्प से समझाना होगा। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें नोट दिया है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 400 वर्ड, यानी कि 400 वर्ड में ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका, जो अभी आप करते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स ऑफ, इसमें है हार्डमानिया विद डायग्राम, इसमें आपको हार्डमानिया के ब्लड सर्कुलेशंस का सिस्टम और इसका डायग्राम के बारे में बताना होगा। ये 12 मार्क्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई रेपिटेड अप टू ऑर्डर द स्नेलेंट एंड फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स, यानी कि सरीसृप का वर्गीकरण ऑर्डर तक प्रमुख लक्षणों एवं उदाहरणों के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट एरियल एंड एडवर्टिशंस इन बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स में एरियल एडवर्टिशंस के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब इन डिटेल द डिटेशंस इन मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों में दंत विनायस का विस्तारपूर्ण का आपको वर्णन करना होगा, ठीक है? ये जो क्वेश्चन पेपर है, जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर B.Sc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, राइट? आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।